हरे कृष्णा राधे राधे किशन दास जी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भी हरिजी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे और हमेशा स्वस्थ ही रहो, मैं बिहारी से प्रार्थना करती हूँ और मैं भी। तो चलिए जी, और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर कर दिया करो भाई, कमेंट लाइक और शेयर करने में कोई आपका एक रुपया भी नहीं लगता, अच्छा है और भी सब देखेंगे। और लाइक करने से मुझे भी खुशी मिलती है कि आप सब मेरी वीडियो देख रहे हो, और कमेंट जब करते हो तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो और शॉपिंग हॉल आपको एकदम दिख जाएंगे जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे मेरे चैनल को। ठीक है जी, चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बाजार की ज्वेलरी की शॉपिंग देखी थी, आप देखिए हैंडमेड ज्वेलरी जो मैंने चूड़े बनवाए हैं सबके लिए बिहारी जी श्रीमती राधा रानी, बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें। तो शुरू करती हूँ, और ये मैंने जो मेरी एक फॉलोवर ही हैं और उनका नाम सीमा सिंह है, लखनऊ से है वो, उनसे बनवाए हैं सारे। तो उनका बनवाया है ये वाला जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला। तो ये येलो वाइट और मल्टी कलर का है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे पर ना। येलो के नाम पे मैंने जो भी चूड़े अभी तक मेरे पास गिफ्ट आए हैं तो उसमें क्या होता है गोल्डन कर देते हैं, तो उसमें येलो नहीं था किसी में भी, गोल्डन ही गोल्डन था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए तो क्वालिटी मस्त है, ऐसे नहीं है बहुत लूज लूज है कि भाई बहुत ढीले हो रहे हैं। साइज देखो, साइज से बताना ही पड़ता है ना, ये देखिए। तो ये चूड़े हैं जितना बनवा पाई उतने बनाए हैं। और तो एक तो ये येलो है कि मैंने बनाए थे बिहारी जी श्रीमती राधा रानी लाडली और गोपी, हाँ बस इन इनके बनवाए हैं मैंने चार चार। तो ये हो गए वाइट और येलो और मल्टी मिक्स। अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने तीज के लिए बनवाए थे, और लगा लो 30 से पहले ये मैंने ऑर्डर दे रखा था, लेकिन इनका पार्सल मेरे पास थोड़ा सा लेट हो गया बारिशों की वजह से, या फिर ये बनवाए थे बट मेरे पास तीज पे पहुँचे नहीं। बट कोई बात नहीं, ये कलर भी नहीं था मेरे पास, पिस्ता ग्रीन टाइप का कुछ ग्रीन है ये, जैसी मैंने ड्रेस पहनाई थी ये देखिए, तो वो मेरे पास उस टाइम नहीं पहुँचे तो मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ था कि आप फंक्शन के लिए बनवा रहे हो ना पहुँचे, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने पार्सल मुझे 30 से 5-6 दिन पहले ही निकाल दिया था, बट नहीं पहुँच पाया तो मुझे, बट कोई बात नहीं। और ये देखिए, तो ये बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी जी के चूड़े हैं, इसमें गोपी और लाडली का भी है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, है ना प्यारे। नहीं जब नहीं पहना पाई तीज पे तो अब फिर कभी पहना लेंगे। तो ये प्यारे से चूड़े, अब मैं आपको दिखाती हूँ और भी कलर बनवाए मैंने। तो ये दो सेट हो गए, तीसरा सेट है ये ऑरेंज, जो मेरे पास कलर नहीं थे तो मेरा मन करा कि वो बनवाने चाहिए, तो ये ऑरेंज कलर का चूड़ा है। मैं जैसे मेरे को पहन रही वैसी मैं आपको दिखाई जा रही हूँ। और देखो ये भी कोई सस्ते नहीं बनते हैं, सबको पता है हैंडमेड ज्वेलरी भी थोड़ी महंगी होती है, और मेहनत होती है तभी महंगी होती है, क्योंकि हाथ से बनाए जाते हैं, तो उससे आप समझ लीजिए कि ये हैंडमेड ज्वेलरी भी कॉस्टली मिलती है। ये देखिए वो, देखो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन दिया है गोल्डन और सिल्वर के साथ ऑरेंज का, तो ऑरेंज कलर भी मेरे पास नहीं था, तो इनमें से जो मैं दिखा रही हूँ एक भी कलर मेरे पास नहीं था, इसलिए ये वाले कलर मैंने स्पेशली बनवाए हैं ऑर्डर पे। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप ये देखिए, ये है कुछ पिंक कलर का लाइट कलर, ये देखिए, तो इसमें ये मोती से ही बनाए हुए सारे। तो ये रे, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी है, तो ये सब है ना सुंदर। ये देखो, तो ये चार सेट हो गए। अब लास्ट बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, आपको कैसा लगा तो वो आप ही बताएंगे। तो ये है रियल फैदर के बने हुए चूड़े, देखिए रियल फैदर, जो मोर पंखी आप बोल सकते हो, मोर पंखी के चूड़े, देखो बहुत एकदम रियल है ये, कोई ऐसे नहीं है कि पेंट है ये कुछ है, तो रियल मोर पंख है ये उसके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब
देखो किसी से कभी कभी ऐसा लक हो जाता है कि मैं इतनी जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, बात नहीं करती, या फिर जो भी होता है। देखो इतना हम इस सोशल मीडिया पे हैं, बट ये होता है भगवान की ही इच्छा होती है अगर हमें कोई किससे मिला रहा है। और एक ही बारी में, मैं फर्स्ट टाइम मैंने चूड़े बनवाए हैं तो एक ही बारी में इतने ऑर्डर किसी को देना, मुझे पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। क्योंकि हो सकता है उसके भाव भी ब्याजी परिवार से बहुत लगाव करती है और शुरू से जुड़ी हुई है। बता रही थी मैं आपकी बहुत टाइम से वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कभी वो मुझे मैया बुलाती है, कभी वो दीदी बुलाती है, बाकी मैरिड है वो, उनके बच्चे भी हैं, पर प्रेम है, प्रेम से तो मुझे कोई कुछ भी बुलाता है, मुझे कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे मैया बुलाए, मुझे बड़े बड़े मैया बुलाते तो अच्छा है, लाला ने मुझे जगत मैया का टैग दे दिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये है रियल मोर पंख के कड़े, तो ये 5 सेट बनवाए थे। और अब की बार तो शॉपिंग की बारिश कर दी है बिहारी जी ने, क्योंकि पतिदेव से मैंने पहले ही बोल दिया था मुझे कुछ दिलाओ मत दिलाओ, लेकिन मेरे बिहारी जी के लिए आपको करना ही पड़ेगा अब की बार, क्योंकि पिछली बार बहुत मेरे को मैसे वो गोल्डन हार भी लिए थे, वो बहुत कॉस्टली आए थे सबके, क्योंकि वो बट ये कि उसी में शांत हो गई थी मैं, और एक दो ज्वेलरी ली थी। ये तो हो गए 5 सेट ठीक है चूड़े के। तो अब आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, चूड़ों का कलेक्शन जो भी कर गया, अब मैं उठा के इनको रखती हूँ। और अभी मैंने इनसे और भी कुछ जो कलंगी बनाई है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जी, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना, राधे राधे, और कमेंट में बताना कैसे लगे चूड़े।